जी आई नो प्यारे विद्यार्थियों, 10th क्लास दी इंग्लिश दी बुक इंग्लिश ग्रामर एंड कंपोजिशन उस द चैप्टर नंबर 5 रिपोर्टेड स्पीच उस दी अगली दो एक्सरसाइजेज 11 एंड 12 इस वीडियो च करन जा रहे हां। सो तुसी सारे नोटबुक अते पेन ले लो, नोटबुक च उतार लो आंसर्स नु ते एक्सप्लेनेशन नु बड़े ध्यान दे नाल सुनो ते मगरों दी इना एक्सरसाइजेज नु बिना देखे अपने आप करन दा अभ्यास जरूर करो। सो आओ शुरू करिए। Change the following sentences into the indirect form of narration. So, exercise 11 ਹੈਗੀ ਹੈ, ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। part 1 ਕਹਿੰਦੇ he said to me are you not afraid, interrogative ਹੈਗਾ। so are ਤੋਂ start ਹੋ ਰਿਹਾ, so ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਏਗਾ if, ਠੀਕ ਹੈ। he asked me if I was not afraid, are ਦਾ ਬਣ ਜਾਏਗਾ was, I was not afraid, so simple। father said रानी मस्ट लर्न दी बेसिक्स ऑफ आ कंप्यूटर, पिताजी ने कहा कि रानी नू कंप्यूटर दी मुढ़लियां गल्लां जरूर सीखनियां चाहीदियां हन। सो इहदे विच बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड, जिथे मस्ट आ जाए उत्थे कोई ज़्यादा तब्दीली नहीं होंदी। सो फादर सैड दैट रानी मस्ट लर्न दी बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर, सो इधर ए हट गया, ए हट गया, तो इतने विचकार आ गया दैट, फादर सैड दैट, तो सिंपल है, ये बड़ा ही सौखा है, ठीक है। शी सैड टू हर फ्रेंड, उन्हें अपने सहेली नू क्या, विल यू हेल्प मी, तू कि तू मेरी मदद करेंगी। शी आस्ड हर फ्रेंड इफ शी वुड, विल है, सो स्टार्ट हो रहा है विल तो, सो इतने इफ आएगा तो विल का बन जाएगा वुड, इफ शी वुड हेल्प हर, क्योंकि ये मी कौन है, शी हैगी, सो यदा मी का बन जाएगा हर। राधा सेज इट इज रेनिंग हैवीली, सेज प्रेजेंट टेंस है, सो ये कोई चेंज नहीं आएगी, जी वर्ब हैगी इज द वाज नहीं बनेगा। सो राधा सेज दैट इट इज़ रेनिंग हैवीली, जदों रिपोर्टिंग वर्ब विच प्रेजेंट टेंस होवे या फ्यूचर टेंस होवे ते रिपोर्टेड वर्ब दी रिपोर्टेड जड़ी स्पीच है उहदी वर्ब चेंज नहीं होंदी, ठीक है। सो रामा सैड आई हैड टेकन टी बिफोर यू अराइव्ड, आई हैड टेकन टी बिफोर यू अराइव्ड, हैड द हैड ही देगा क्योंकि ये पहला ही पास्ट टेंस है, ठीक है, पास्ट परफेक्ट है। सो जो पास्ट परफेक्ट है तो पास्ट परफेक्ट का पास्ट परफेक्ट ही रहेगा। रामा सेड दैट ही हैड टेकन टी बिफोर आई अराइव्ड, क्योंकि कह रहे हैं यू अराइव्ड, सो यू मैनू कह रहा, बल्कि आई अराइव्ड। सो राम सेड आई हैड टेकन टी बिफोर यू अराइव्ड, सो राम सेड दैट ही हैड टेकन टी बिफोर आई अराइव्ड। ही सेड टू द ड्राइवर बी क्विक, उन्हें ड्राइवर ने क्या, छेती कर, सो ए ऑर्डर है, सो ही ऑर्डर द ड्राइवर टू बी क्विक, ठीक है। आशा सेड टू सुधा लेट सॉल्व दीज सम्स, सो आशा सजेस्टेड टू सुधा दैट दे शुड सॉल्व दो सम्स, दीज द बन जाएगा दोस, सो लेट सॉल्व दो सम्स बन जाएगा दे शुड सॉल्व दोज सम्स। आई सेड टू हिम, मैंने क्या, डू यू नीड मनी, डू तो स्टार्ट हो रहा है, ऑक्सीलरी वर्ब हैगी है, सो इफ आ जाएगा, तो डू का बन जाएगा, डू यू नीड है तो इस गल नीडिड बन जाएगा, नीड डू नीड जोड़ा है प्रेजेंट टेंस है तो नीडिड पास्ट टेंस बन जाएगा, ठीक है। आई आस्क्ड हिम इफ ही नीडिड मनी, तो क्वेश्चन मार्क जोड़ा है उड़ जाएगा। फिर आ गया ही सेड टू मी लाइफ इज नॉट अ बैड ऑफ रोजिज, हूँ देखो बच्चे तो सैड है पर इतने मैं इज द ईजी रहने दिता, क्यों, लाइफ इज नॉट अ बैड ऑफ रोजिज एक सच्चाई है, एक अखाण है, सो यह हमेशा वास्ते सच है, अर्थात जिहड़ी जिंदगी है वह फुलां दी सेज नहीं है। ही सैड टू मी, उन्हें मैनू कहा कि जिंदगी फुलां दी सेज नहीं है, अर्थात जिंदगी च जिंदगी एक संघर्ष है। सो ही टोल्ड मी दैट, सैड टू मी का बन जाएगा टोल्ड मी दैट लाइफ इज नॉट अ बैड ऑफ रोजिज, ठीक है। वो कल भी इदा ही सी, अज भी है, अगां भी ये गल इदा सच्ची रहेगी। मैं दस चुका बच्चों तुहानू, जे साइंटिफिक फैक्ट होण या मैथमेटिकल फैक्ट होण, हिस्टोरिकल फैक्ट होण, या कोई मॉरल वैल्यूज़ की गल आवे, या कोई कुदरत दे नेम की गल होवे, अखाण होण इदा दे जिहड़ी कुदरती सच्चाइयां ने वो समय ना बदलदियां नहीं हैगियां, सो उन्हां दे विच जिहड़ी वर्ब है चेंज नहीं होंदी, इस दा वाज नहीं बनता, ठीक है। दी कैप्टन सेट, कैप्टन ने कहा ऑल दी प्लेयर्स मस्ट रिपोर्ट ऑन टाइम, अर्थात है ऑर्डर दिता है, कमांड, ठीक है। दी कैप्टन कमांडेड दैट ऑल दी प्लेयर्स मस्ट रिपोर्ट ऑन टाइम, जिते मस्ट आ जाता है उत्थे बच्चों ज़्यादातर देखने जाता है, कोई ज़्यादा चेंज नहीं होंगी, सिर्फ इतने दैट लग जाता है, बाकी सारी गल्लां उही रहिंदियां, ठीक है। अगली एक्सरसाइज देखिए हुण बच्चों, यह भी बड़ी इंट्रस्टिंग है, इस तरह की एक्सरसाइज असीं पहला भी की, शायद एक्सरसाइज नंबर 9 सी, हुण असीं डायरैक्ट स्पीच दे विच कन्वर्ट करांगे,
सो यह थोड़ा जहा वखरा है, पर तुसी एदा अभ्यास जरूर करना है, ठीक है। द स्ट्रेंजर आस्क्ड हिम वेयर ही लिव्ड, अर्थात अजनबी ने उन्होंने पूछा कि वो कितने रहिंदा सी। द स्ट्रेंजर सेट टू हिम, आस्क्ड हिम अगेन, सो सेट टू हिम कॉमा इनवर्टेड कॉमा स्टार्ट, वेयर डू यू लिव, ठीक है, क्योंकि वेयर ही लिव्ड है पास्ट टेंस है, सो यह बन जाएगा डू लिव, बन जाएगा प्रेजेंट टेंस। द टीचर सेड दैट द सन इज स्टेशनरी, टीचर सेड है सन इज स्टेशनरी, पे सूरज खड़ा है। ए बच्चों ये भी गल साइंटिफिक ढंग ना उल्टा गलत हैगी है, सूरज भी तुरदा है। ए इस पक्षों कह रहा है कि पुराने जमाने के कई लोगों ने कई धार्मिक ग्रंथों से भी यह गल लिखी गई कि सूरज धरती के इर्द गिर्द घूमता है। असल में सूरज धरती के इर्द गिर्द नहीं घूमता, धरती सूरज के इर्द गिर्द घूमती है, पर सूरज आप भी घूमता है। सो जी पहली खोज आई सी वह कहते सूरज खड़ा है, सूरज नहीं घूमता, पर अस जानते हैं गलैक्सियां गलैक्सियां भी घूम रही ने, सूरज भी घूम रहा है। गुरबाणी च भी गुरु साहब ने लिखा है भै विच सूरज भै विच चंद कोह करुड़ी चलत ना अंत, ठीक है। सो द टीचर सेट दैट द सन इज स्टेशनरी, सो यह तत्थ वैसे विज्ञानिक तौर से गलत हैगा, पर असी इतने अंग्रेजी पढ़ रहे हैं, साइंस नहीं पढ़ रहे, सो इतने साइंटिफिक फैक्ट हैगा, सो इतने चेंज है। देखो इतने चेंज नहीं होया हो, तो इतने भी चेंज नहीं होगा। द टीचर सेट द सन इज स्टेशनरी, माई फादर एडवाइज मी टू अवॉइड बैड बॉयज, सो एडवाइज, असं जानते हैं बच्चों जो सलाह दी जाए तो एडवाइज वरतिया जाता है, सो जिले डायरैक्ट करा बन जाएगा माई फादर सेट टू मी कॉमा अवॉइड बैड बॉयज। शी एक्सक्लेम्ड विद सोरो दैट शी वॉज रूइंड, उन्हें मतलब कि दुखी होकर इदा मतलब कि हा मारी भी चीकी की वो बर्बाद हो गई सी। शी सेड कॉमा अलास आई एम रुइंड, बच्चों इतने इनवर्टेड कॉमा पाना मैं भूल गया, इतने इनवर्टेड कॉमा आएगा, ठीक है। आगे चलिए, शी आस्क्ड मी वेदर आई हैड बीन सक्सेसफुल इन माई अटैम्प्ट, उन्हें मैंने पूछा कि मैं अपने जतन विच कामयाब हो गया सी। सो शी सेड टू मी कॉमा हैव यू बीन सक्सेसफुल इन योर अटैम्प्ट, ओहो इतने बच्चों एक फिर गलती हो गई, देखो मेरे को यह देखो यह गलतियां थोड़े को भी हो सकती हैं, सो इतने क्वेश्चन मार्क आना सेगा। इतने क्वेश्चन मार्क पाता, ठीक है, तो क्वेश्चन मार्क आएगा बच्चों, यह ध्यान रखना है। सो इतने शी सेड टू मी हैव यू बीन सक्सेसफुल इन योर अटैम्प्ट, इतने क्वेश्चन मार्क है, ठीक है, क्योंकि सवाल है। द फार्मर सेड दैट ही वॉज गोइंग टू कट दी ट्री, सो बन जाएगा दी फार्मर सेट कॉमा इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट आई एम गोइंग टू कट द ट्री, सो वॉज गोइंग द बन जाएगा आई एम गोइंग, ठीक है। दी पियन आज द बॉय टू क्लोज क्लोज दी शॉप, दी पियन सेट टू दी बॉय क्लोज दी शॉप, वेरी सिंपल इंपेरेटिव सेंटेंस है। दी गार्डनर सेट दैट ही वॉज वाटरिंग दी प्लांट्स, माली ने कहा कि वह बूटिया पानी दे रहा सी, सो यह बन जाएगा दी गार्डनर सेट कॉमा इनवर्टेड कॉमा स्टार्ट आई एम वाटरिंग, ही वॉज वाटरिंग द बन जाएगा आई एम वाटरिंग दी प्लांट्स। फिर आ गया द बॉय रिक्वेस्टेड द टीचर टू फॉर गिव हिम, हम रिक्वेस्ट है ना बच्चों, उसमें से प्लीज वरतेंगे। द बॉय सेड टू द टीचर कॉमा इनवर्टेड कॉमा स्टार्ट प्लीज कॉमा फॉर गिव मी, कृपा करके मैं माफ कर दो। माई फ्रेंड टोल्ड मी दैट ही वॉज इल दैट डे बन जाएगा टूडे, याद रखना। माई फ्रेंड टोल्ड मी द बन जाएगा माई फ्रेंड सेड टू मी, माई फ्रेंड सेड टू मी, तो उन्हें कह रहे ना वो मैं, सो आई एम इल टूडे, मेरे दोस्त ने मैनू कहा मैं भी अज बीमार हाँ, आई एम इल टूडे, सो वॉज इल द बन जाएगा आई एम इल, ही द बन जाएगा आई, तो डैड डे का बन जाएगा टूडे। सो बच्चों ये भी जी एक्सरसाइज है सू दोनों पासे डायरैक्ट टू इनडायरैक्ट भी आना चाहिए तो इनडायरैक्ट टू डायरैक्ट भी आना चाहिए। जिदा मैं तुम्हें पहले भी कहा कि सारी एक्सरसाइज तो तुम इस तरह करो, आंसर्स नू क्वेश्चन बना लो ते क्वेश्चंस नू आंसर्स बना लो। तो बच्चों इसी चैनल के उत्ते तुहाडियां होर प्लेलिस्टां भी बड़ी सारियां हैगियां, 10th साइंस हैगी है, 10th मैथ हैगी है, 10th इंग्लिश एमसी भी हैगी है, तो 10th इंग्लिश लिटरेचर भी हैगी है, तो तुम उन्होंने विषयों की वीडियोज़ भी देखो, तो इसी तरह नेम के नाल अनुशासन अपनी पढ़ाई करी चलो। अगले वीडियो तक लिए गुड बाय, थोड़ा सारे का बहुत बहुत धन्यवाद, रब राखा, थैंक यू वेरी मच।